Yes, students, yesterday I have discussed with you electoral politics. First of all, meaning of elections in India. Clear? Hanji Magan, stand up. This simple meaning of election, beta. What is the meaning of elections? Okay, the process through which we elect our representatives. Representatives, for example, tell me any one kind of representative. You are Magan? Anji. Represent, okay, Prime Minister. Prime Minister, Prime Minister banne se pehle Prime Minister bhi kya hote hain? MLA, oh sorry, MP. Aur MP, yani ki number of political parties, jis political parties ke maximum number wo votes hote hain, उस पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं उनको इनवाइट किया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव. सिट डाउन. वेरी गुड. नेक्स्ट आई हैव डिस्कस विद यू टाइप्स ऑफ इलेक्शंस. तो जस्ट आपको टाइप्स ऑफ इलेक्शंस क्लियर होना चाहिए, वर्ड सुनो और उसको आपने यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन करना. करणवीर, टाइप्स ऑफ इलेक्शंस. जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्शंस. विच आर द थ्री टाइप्स? वेरी गुड सिटम. इलेक्शंस की बेटर तीन टाइप्स होती हैं, जनरल इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शन. हाँ जी बेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल इलेक्शन? जनरल इलेक्शन क्या होते हैं और कितनी देर के बाद होते हैं? एंड द टर्म ऑफ दीज इज 5 years. वेरी गुड. जनरल इलेक्शन होते हैं नॉर्मल इलेक्शन एंड इन आवर कंट्री दीज आर यूजली कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 years. रेगुलर इलेक्शन जिसको बोलते हैं. सेकेंड, अगर प्रॉपर कंडीशन कंट्री में कुछ कंडीशन इमरजेंसी आती है या किसी भी तरह से प्रॉब्लम जो है वो कंट्री में होती है, जब कंडीशन नॉर्मल नहीं होती तो ऐसे में मिड टर्म इलेक्शंस कई बार करवाने पड़ते हैं. तो मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं? हाँ जी दिव्या, अर्लियर. ठीक है, वेरी गुड. मिड टर्म इलेक्शंस आर कंडक्टेड व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व अर्लियर बिफोर इट्स टर्म. तो लोकसभा की टर्म कितनी होती है? 5 years. लेकिन 5 years से पहले अगर लोकसभा में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कंट्री में इमरजेंसी लग जाती है, सपोज एक्सटर्नल अटैक हो जाता है, कोई और कंट्री हमारी कंट्री पे अटैक करती है, तो ऐसे में सारी की सारी पावर सिर्फ प्रेजिडेंट के हाथ में होती है. तो कई बार क्या होता है, लोकसभा को डिजोल्व कर देते हैं, इमरजेंसी लग जाती है, ऐसे में कई बार इलेक्शन जो है वो बाद में, यानी कि जब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, 6 months हो जाएंगे, 1 year हो जाएगा, उसके बाद कंट्री में फिर से इलेक्शंस करवाए जाएंगे और तब जो इलेक्शंस करवाए जाएंगे उनको बोलेंगे मिड टर्म. लेकिन जो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं उनकी आगे आने वाली टर्म कितनी कंटिन्यू रहेगी? 5 years. तो दीज आर कॉल्ड मिड टर्म. आप यूजली इतना याद रखो कि मिड टर्म, तो मिड टर्म नाम से पता लगता है कि 5 years कंप्लीट होने से पहले ही अगर कंट्री में इलेक्शंस की जरूरत पड़े तो उसको क्या बोलते हैं? मिड टर्म इलेक्शंस. क्लियर? जसलीन, बाय इलेक्शन. बाय इलेक्शन, बी वाई बाय इलेक्शन. वेरी गुड. बाय इलेक्शंस आर कंडक्टेड टू फिल एनी वन पर्टिकुलर वैकेंट. वैकेंट का मतलब होता है जो पोस्ट खाली हो जाती है. सपोज मैंने आपको ये बताया कि इंडिया में लोकसभा में बच्चे 543 टोटल जो है वो इलेक्टेड सीट्स हैं और 2 जो है वो है नॉमिनेटेड. तो टोटल इंडिया में कितनी हो गई लोकसभा की? 545. लेकिन हमारी पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देंगे और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक ही विनर होगा, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो हमारे इंडिया में टोटल कितने एमपी इलेक्ट होंगे? 543. सपोज करो 6 months के बाद या 1 year के बाद किसी एमपी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी तो चाहिए. ठीक है, तो ऐसे में उसी पर्टिकुलर एरिया में जब इलेक्शंस करवाए जाएंगे तो उनको बोलेंगे बाय इलेक्शन. तो बाय इलेक्शंस आर कंडक्टेड टू फिल एनी वन पर्टिकुलर वेकेंट पोस्ट सीट. ठीक है, उसके लिए जब इलेक्शंस करवाए जाते हैं उसको बोलते हैं बाय इलेक्शन. फिर है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस के पॉइंट. हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है? मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्शंस हमें क्यों चाहिए, क्योंकि 1947 से पहले जब हमारी कंट्री में इलेक्शंस नहीं होते थे तो मैनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी फेस. तो वो प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में अब ना आए तो इसके लिए कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाते हैं. अब ये इमेजिन करो कि अगर कंट्री में इलेक्शंस ना करवाए जाएंगे तो क्या होगा? तो इसलिए हमें इलेक्शंस की जरूरत है. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री. तो नो इलेक्शन, नो डेमोक्रेसी.
तो जब डेमोक्रेसी ही नहीं होगी, इलेक्शन ही नहीं होंगे, तो कंट्री का क्या होगा, आप सोच सकते हो। तो इसके लिए हमें अब ये याद करना है कि व्हाई वी नीड इलेक्शंस, व्हाई इलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट, इलेक्शंस क्यों होने चाहिए। तो आई हैव डिस्कस मैनी पॉइंट्स विद यू, तो जस्ट आप हेडिंग्स हेडिंग्स माइंड में रखो कि हेडिंग्स क्या हो सकते हैं इसके, कि हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए, इलेक्शंस के द्वारा हमें क्या क्या राइट मिलते हैं या लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो वो जस्ट आपने मेन बताना। ठीक है, हाँ जी जयदेव, फर्स्ट पॉइंट, एनी एनी पॉइंट और एनी हेडिंग, कंट्री, ओके, नंबर वन, इलेक्शन हेल्प टू मेक कंट्री डेमोक्रेटिक, वेरी गुड गगनदीप, ओके, इफ इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड इन द कंट्री देन पीपल विल बी गिवन राइट्स, और जब लोगों को राइट्स मिलेंगे तो उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट होंगे, और फंडामेंटल राइट के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट राइट क्या होगा, राइट टू वोट। जब राइट टू वोट हर को हर एक को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी अचीव होगी। ठीक है, वेरी गुड जतिन, थर्ड पॉइंट, वेरी गुड, पीपल कैन चेंज देयर लीडर आफ्टर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म, इलेक्शन जो है वो हमें राइट देते हैं कि हम अपने लीडर्स को क्या कर सके, चेंज कर सके, ताकि अगर हमें लीडर्स को चेंज करने की जरूरत पड़े तो 5 years के बाद हम अपना ओपिनियन, हम अपना वोट किसी और पार्टी को दे सकते हैं, किसी और लीडर को दे सकते हैं। हाँ जी बेटा, वेरी गुड, इलेक्शन क्लोजेस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कैसे, क्योंकि इलेक्शन जो है वो राइट टू वोट देता है हर पर्सन को। जब आप सिटीजन बन जाओगे, जब आपकी एज 18 से ज्यादा हो जाएगी, जब आप जाओगे किसी भी वोटिंग सेंटर में तो आपको लाइन में खड़े होना पड़ेगा। उस लाइन में आप ये नहीं कहोगे कि मैं तो जी बहुत रिच हूँ, मेरे को आगे खड़ा करो, उस पर्टिकुलर टाइम पर में यू हैव टू वेट। ऐसे में क्या होता है, राइट टू वोट आपको ये राइट देता है कि रिच और पुअर के बीच का जो गैप है, जो जो राइट रिच पर्सन का है वही पुअर पर्सन का, तो उस दिन लोगों को वोट की वैल्यू समझ आती है। लीडर्स क्यों डोर टू डोर कन्विंसिंग के लिए जाते हैं, उनको क्या जरूरत है, वो तो बहुत रिच है, क्यों अपनी एसी कार से उतर कर वो अलग अलग एरियाज में वोट मांगने के लिए क्यों जाते हैं, बिकॉज दे नीडेड सपोर्ट, उनको सपोर्ट चाहिए लोगों का, क्योंकि अगर लोग उनको वोट करेंगे ओनली देन दे कैन विन। ठीक है, एनी अदर पॉइंट, धैर्य, हाँ जी, वोट, वेरी गुड, चॉइस, कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप 18 इयर्स के हो जाओगे तो आपको ईवीएम्स, ईवीएम्स का मतलब क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल ये क्लास एक सेंटर बनता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठे होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स का मतलब जिनकी ड्यूटी होती है, और कॉर्नर में एक प्रॉपर ब्लैक कलर से एरिया कवर किया होता है, उसके अंदर ईवीएम होती है, आपको बहुत सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी ताकि वो चेक करते हैं कि वोट जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं। इसके लिए आपका क्या होता है, एक वोटर कार्ड बने, आप सबके पेरेंट्स का वोटर कार्ड है, उसको चेक करना, उसके नीचे इलेक्शन कमीशन की स्टैंप होती है, साइन तो पॉसिबल नहीं है ना, तो क्या होती है, स्टैंप होती है। उसके बाद अपना वोटर कार्ड दिखाकर आपको पर्टिकुलर जो है वो आपको वार्ड नंबर पहले ही बता दिया जाता है कि आपके वार्ड का ये सेंटर बना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और उसके बाद आप कॉर्नर में जाओगे, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, आप सारे लीडर्स के नेम पढ़ोगे, उनके सिंबल्स, और उसके बाद आपको जो बेस्ट चॉइस लगेगी आप उसको प्रेस, क्योंकि आप तो घर से प्रिपेयर करके आए कि मैंने इस लीडर को वोट करना है। अगर आप प्रिपेयर नहीं भी हो तो आपके पास प्रॉपर टाइम होगा, आप कंपेयर कर सकते हो, तो वो प्रॉपर टाइम देते, कोई नहीं कहेगा कि हाँ जी जल्दी आओ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यू आर गिवन चॉइस, चॉइस का मतलब होता है नंबर ऑफ लीडर्स आर देयर, इट्स अप टू यू टू होम यू वॉन्ट टू इलेक्ट चॉइस। और एनी अदर पॉइंट, हाँ जी जी, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इलेक्शन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ये हमें वैल्यू देता है, अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो हमें अपनी वैल्यू नहीं ना पता लगेगी। आपको पता नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे एक के वोट की वैल्यू डबल है, एक के वोट की वैल्यू सिंगल है, लेकिन इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, और जब वैल्यू दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली सिटीजन को अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी जो है वो कंट्री में उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन होगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ जी मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड है इसकी तो वोट की वैल्यू डबल है और मेरी वोट की वैल्यू सिंगल है, तो मेरी कंट्री में क्या जरूरत है, तो ऐसे में आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो लूज करनी पड़ेगी। एनी अदर पॉइंट, हाँ जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्शंस की हमें जरूरत क्यों है, ताकि फ्री एंड फेयर होकर हम वोट कर सकें। फ्री का मतलब हमें पैसे ना देने पड़े, फेयर का मतलब क्या होता है, फेयर रिजल्ट्स, फेयर रिजल्ट्स, फेयर रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है कि जिसको हमने चुना है वही हमारे सामने विनर बन के आना चाहिए। नो डाउट हमारी कंट्री में प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की जाती है, जैसे ही 5 बजे सेंटर बंद हो जाता है ना, जितनी भी ईवीएम्स होती है ना उनको अपने आप सिक्योरिटी लॉक लग जाता है, और उसका प्रॉपर कोड होता है, अगर वो कोड होगा तो ही उसको ओपन किया जाएगा,
और उसके बाद इन ईवीएम में जितने भी नंबर ऑफ वोट्स होते हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो आपको टेलीविजन पे मीडिया पे शो कर दिए जाते हैं, और इसके बाद आपके सामने आपको क्लियर हो जाता है कि हु इज द विनर। ठीक है, एनी अदर पॉइंट? हाँ जी, डिग्निटी हो गया बच्चे, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी हमने डिस्कस कर लिया। हाँ जी, टू मेंटेन यूनिटी, हम सबको लगता है कि हमें राइट टू वोट मिला है तो ऑटोमेटिकली हमें अपनी कंट्री की यूनिटी जो है वो बढ़ती। अगर किसी पर्टिकुलर एक एरिया में राइट टू वोट नहीं होगा तो लोगों को ये लगेगा कि हमें हमारी तो कंट्री में पहचान ही नहीं। रिलीजियस का मतलब क्या होता है? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईच एंड एवरी माइनॉरिटी हमारी कंट्री में, जो माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, जैन, बहुत सी कम्युनिटीज हैं, दीज आर ऑल्सो गिवन राइट टू वोट। तो हमारी कंट्री में किसी भी तरह से माइनॉरिटी के साथ कोई भी इनजस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हाँ जी, पीपल ऑफ एनी रिलीजन कैन वोट टू एनी पर्सन। तो किसी भी तरह से कोई भी आपको बाउंड नहीं किया गया कि आप अगर हिंदू हो तो अपने हिंदू भी वोट करना। हाँ जी, देयर इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? ऑल आर इक्वल। सो देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स वी कैन राइट मेजर डिसीजंस। हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम सपोज हर फैमिली, हर सिटी अपने अपने डिसीजन खुद लेती है, लेकिन पूरी कंट्री के लिए कई बार डिसीजन लेने की जरूरत एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी को पड़ती है। लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर एग्जांपल पूरी कंट्री के डिसीजन लेने हैं तो लोकसभा लेगी, अगर पंजाब के डिसीजन लेने हैं तो क्या कौन लेगी? विधानसभा। पूरी कंट्री के अगर डिसीजन लेने हैं तो एमपीज, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अगर स्टेट के डिसीजन लेने हैं तो एमएलए, सीएम एंड गवर्नर। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्शंस मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनको और रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं एंड मेक देम आंसरेबल, उनको आंसरेबल बनाते हैं ताकि उनको पता है कि हमने 5 ईयर्स में ये करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो लोग हमें क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। दीज आर सफिशिएंट पॉइंट्स। नाउ इट इज क्लियर व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ फीचर्स, इलेक्शंस के फीचर्स क्या हैं। तो वैसे देखा जाए ये अपने 5 फीचर्स मेन याद रखने हैं ना, कि अप्रोक्सीमेटली अगर 3 पॉइंट्स में आता है, 5 में आता है। कई बार क्या होता है जितनी भी टर्म्स है वो आपको 1 मार्क के अकॉर्डिंग भी आ सकती है। आपको इलेक्टोरल सिस्टम अच्छी तरह से पता होगा जब आपको टर्म अच्छी तरह से इलेक्शन से रिलेटेड जो भी टर्म है आपको क्लियर हुए। ठीक है, नंबर वन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो इलेक्शन होते हैं रेगुलर होते हैं। रेगुलर मैंने बताया आपको 5 ईयर्स, प्राइम मिनिस्टर 5 ईयर के लिए होता है, प्रेजिडेंट भी 5 ईयर के लिए होता है, सीएम भी 5 ईयर के लिए, गवर्नर भी 5 ईयर के लिए, एमएलए भी 5 ईयर के लिए और एमपी भी 5 ईयर के। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है ये सारी, अब कुछ टर्म ऐसी हैं जो 6 ईयर्स हैं, वो मैं आपको साइड बाय साइड बताऊंगी वो क्यों है ये भी बताऊंगी, लेकिन जनरली आपने ये याद रखना है कि हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं दीज इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ये हमारी कंट्री का फर्स्ट फीचर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, हमने वो फीचर पढ़ने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। ठीक है, नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जब हमारी कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्शंस में सिटीजंस दे पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? फर्स्ट दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड देन दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मेक्स लॉज। जैसे आप हो, ठीक है, आप सारे हो सिटीजंस, फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग जो हैं वो बाहर आएंगे, सपोज वो पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे, वो एमएलए या एमपी बनना चाहते हैं, आप लोग उनको वोट दोगे और वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे आपके लिए? क्या करेंगे? लॉज बनाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इनके द्वारा बनाए गए लॉज आपको जो है वो अपील नहीं करते, देन यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। आप प्रोटेस्ट करोगे और अगर आपकी बात मान ली जाती है तो लॉज कैन बी चेंज। तो ऐसा ही आप हम बुक में एक एग्जांपल पढ़ेंगे, हरियाणा के इलेक्शंस, कुछ इलेक्शंस के रिगार्डिंग है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कैसे उनकी डिमांड्स को माना गया। ठीक है, बाद में हम करेंगे। नेक्स्ट इज सीक्रेट बैलेट। कल बच्चे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है। सीक्रेट बैलेट मैंने अभी बताया कि कॉर्नर रूम होता है, कॉर्नर काइंड ऑफ एक कॉर्नर होगा जहां पे नो वन विल बी अलाउड। वहां पे कोई भी आपको जो है वहां पे कंपनी नहीं करेगा। कुछ टाइम पीरियड में आप खुद सोचोगे कि आपने किसको वोट करना है। तो सीक्रेट का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री में वोटिंग जो है वो सीक्रेटली की जाती है। सपोज आप सारा दिन एक पार्टी के साथ घूमते रहे, अगले दिन आपको वोटिंग डे है और अंदर जाकर आपका माइंड चेंज हो गया, इट मीन्स ओनली यू नो टू होम यू आर
वोटिंग, बाहर आकर आप कह दिए कि हाँ जी हमने तो इस पार्टी को वोट किया, या फिर बाद में सपोज आपने जिसको वोट किया वो हार गए लेकिन आपने कहा कि हाँ जी मैंने उसको जिताया, मैंने उसको क्या दिया वोट, तो आपको ही पता है सीक्रेट का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में आपने जिसको भी वोट किया आपको किसी को बताना नहीं पड़ता, ठीक है, दैट इज योर राइट। इसके बाद है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्टोरल एरिया। हाँ, अगर मैंने आपको ये बताया कि लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो पूरी कंट्री को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं, 543। हमें कितने एमपीज मिल जाते हैं, 543। फिर जब ये 543 एमपीज इलेक्ट हो जाते हैं उनके बाद इनको ऑथ सेरेमनी होती है। इस ऑथ सेरेमनी में कौन इनको ऑथ दिलाते हैं, प्रेसिडेंट। लोकसभा में प्रॉपर सेरेमनी होती है और इस सेरेमनी में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर जो हैं वो नया जो उनको डिपार्टमेंट मिलता है या जो भी मिनिस्ट्री मिलती है उसकी प्रॉपर ऑथ लेते हैं और इस तरह से वो अपना काम अपने डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। दैट इज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है। सपोज जलंधर एमपी के इलेक्शन में जलंधर एक एरिया है और सारे जलंधर के लोग वोट करेंगे और उसके बाद एक ही मेंबर जीतेगा, दैट इज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज ज्वाइंट इलेक्टोरेट। ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि हमारी ज्वाइंट, इस वर्ड का मीनिंग रिलीजन से है। इसका मतलब है कि जब जलंधर में इलेक्शंस होंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि एरियाज को रिलीजन के अकॉर्डिंग बांटा जाए, ठीक है। ऑल आर फ्री टू कास्ट देयर वोट टू एनी पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी एंड जेंडर। आपको किसी को भी कंपेल नहीं किया जाएगा कि हाँ जी आप क्रिश्चियन हो तो आप क्रिश्चियन को ही वोट करोगे। मैंने आपको बताया सीक्रेट बैलेट है, आप अंदर जाकर अपना वोट किसी भी कंटेस्टेंट को दे सकते हो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, लाइक यू आर अ स्टूडेंट, व्हेन यू आर एंटरिंग इन अ इंस्टीट्यूशन यू हैव टू फॉलो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। समटाइम्स यू डोंट वांट टू बट यू हैव टू फॉलो, इफ यू विल नॉट फॉलो देन यू विल बी फाइन फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया कि 18 ईयर से कम जो बच्चे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। लर्निंग चलो बना लेते हो, अगर लर्निंग भी नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल। उसके बाद अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो प्रॉपर चलान होगा और उसके बाद अपर एक्शन विल बी टेकन ऑन यू एंड ऑन योर पेरेंट्स बिकॉज सम रूल्स एंड रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो। सिमिलरली इन अ कंट्री व्हेनेवर एनी लीडर और कंटेस्टेंट और कैंडिडेट want to contest elections, they have to follow some rules and regulations. और ये rules and regulations कौन बनाता है? Election Commission. और लिखे कहाँ पे गए हैं? इसमें लिखे गए हैं Constitution. So these they have to follow some rules and regulations. इसको क्या बोलते हैं? Code of conduct. Code of conduct. For example, number one, जब elections अब February में election होने ना पंजाब के, तो आप देखना कि तब तक आपको पूरा election का जो है वो हमारा, हमारी जो state है, electoral environment होगा। और इसमें क्या होता है? जब अनाउंसमेंट हो जाएगी ना कि इस पर्टिकुलर डेट को इलेक्शंस हैं, तो उससे पहले प्रॉपर चेकिंग होती है। यू कांट कैरी कैश, कैश की अमाउंट फिक्स कर देते हैं क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पर में मनी को बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, मिसयूज किया जाता है। तो आपकी चेकिंग होती है, अगर आपके पास इतनी अमाउंट से ज्यादा कैश आपके पास मिलेगा देन एक्शन विल बी टेकन, क्योंकि आपको उसके लिए बताना पड़ेगा फॉर विच पर्पज यू वॉन्ट टू कैरी कैश। सेकेंड थिंग, इसके अलावा क्या होता है, यू कांट यूज एनी रिलीजियस प्लेसेस फॉर योर कन्विंसिंग। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी मंदिर में बैठे हैं, यहाँ पे भगवान की मूर्ति है, मैं आपका कंटेस्टेंट हूँ, अगर आप मुझे वोट करोगे तो यू विल बी गिवन ब्लेसिंग्स। ऐसी वर्डिंग आप यूज नहीं कर सकते। ये क्या है? ये रिलीजियस स्टेटमेंट है। कोई भी लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को रिलीजियस सेंटिमेंट के बेसिस के ऊपर अपील नहीं कर सकता। आप किसी भी रिलीजियस सिंबल को यूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी देखो मैंने स्वास्थ्य का सिंबल डाला है तो मैं, आप सारे जो है वो मुझे वोट करोगे क्योंकि मैं आपकी ही कैटेगरी से, आपके रिलीजन से हूँ, ठीक है। यू कांट स्पीक दीज काइंड ऑफ लाइंस व्हाइल गिविंग एनी काइंड ऑफ लेक्चर्स। वेट, आपने ये नहीं बताना कि करते क्या है। नाउ आई एम टेलिंग यू कि व्हाट हैज बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन व्हेन आई विल डिस्कस विद यू ना प्रॉब्लम्स, देन दीज लाइंस विल कम, देन यू कैन टेल मैम दीज आर द प्रॉब्लम्स, यस वी आर फेसिंग। Right now we are discussing about only what in the constitution has been written. Constitution आपको क्या करने से prohibit करता है वो बता रही हूँ कि features क्या, और अगर आप ऐसा गलत करोगे तो action will be taken. अगर आप किसी भी religious purpose या religious institution को use करते हो while campaigning then action can be taken. It is written in the constitution and this is the feature of our
कॉन्स्टिट्यूशन. जब हम डिस्कस करेंगे ना प्रॉब्लम्स, देन वी विल मेक द रियल एग्जांपल्स कि हमारी कंट्री में ऐसा होता है, लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते. सपोज हम बच्चे को बोलते हैं, बच्चे चीटिंग नहीं करनी, है ना, हम कहते हैं बेटा रूल है चीटिंग नहीं करनी, पर बच्चे करते. हम कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन बच्चे कई बार यूनिफॉर्म रूल फॉलो नहीं करते. हम कहते हैं बच्चे मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन बच्चे मोबाइल लेकर आते हैं. हम कहते हैं बच्चे कि अगर मोबाइल आपके पास है तो डिपॉजिट टू अस, लेकिन कईयों के क्या होते हैं, बैग में होते हैं, है ना, बैग में होते हैं. ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस करना है कि व्हाट हैज बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रिजर्वेशन. रिजर्वेशन जो है, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर सम कैटेगरीज. ठीक है, हमारी कंट्री में कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं टू सम कैटेगरीज. ठीक है, तो ये आपने जस्ट बताना है. रिजर्वेशन जो ये सिस्टम है वो इसलिए किया गया है ताकि हमारी कंट्री में जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं या जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रेफरेंस मिले. तो जस्ट ये हमारी कंट्री का एक फीचर है जिसमें सम सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एसटी एंड सम कैटेगरीज इन द इलेक्शंस. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया. नेक्स्ट फीचर है इलेक्शन पिटीशन. ये क्या होता है, ये नई टर्म है आपके लिए, इलेक्शन पिटीशन. पिटीशन का मतलब क्या होता है, रिटर्न रिक्वेस्ट, इलेक्शन पिटीशन. ये हाँ, ये बच्चे हाँ नहीं, ये बाद में कब, जब इलेक्शन हो जाते हैं या जब इलेक्शन चल रहे होते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल जतिन है, ठीक है, जतिन जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ वोटिंग सेंटर गया, वहां पे इसने देखा कि कुछ पार्टीज जो है, कुछ लोग जो है वो मनी दे रहे हैं, एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग 100 रुपीज, और उनको इस चीज के लिए कंपेल कर रहे हैं कि अंदर जाकर आपने मेरी पार्टी को वोट करना है या हमारे सिंबल को वोट करना है. वो इलिटरेट है, उनको नहीं पता, वो जस्ट उनको मोबाइल पे या पिक्चर दिखा रहे हैं कि आपने इसको वोट करना है और हम आपको 100 रुपीज दे रहे हैं. तो जस्ट ही विल क्लिक द पिक्स, उसके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वहां पे नंबर दिया होगा, ही कैन सेंड दिस काइंड ऑफ क्लिपिंग्स टू इलेक्शन कमीशन एंड वट एवर रिटर्निंग ऑफिसर्स उनके पास होते हैं. Then action will be taken to that particular party, that particular leader, and sometimes कई बार क्या होता है, पूरा का पूरा सेंटर सील कर दिया जाता है और उस एरिया में इलेक्शन को क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह की माल प्रैक्टिसेस, अनफेयर मीन्स जो है वो इलेक्शन में यूज ना किए जाए. तो ये होगी पिटीशन. अब इसने तो क्लिपिंग सेंड कर दी, लेकिन रिटर्न प्रूफ लेने के लिए he will write an application, kind of written request that उसने देखा कि इलेक्शन के टाइम पीरियड में किसी सेंटर में ऐसा हो रहा था. तो ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन के पास इसकी कंप्लेंट गई, देन एक्शन विल बी टेकन, और जिस पर्टिकुलर लीडर को ऐसा करते देख लिया उसकी नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगी और इन फ्यूचर ही विल नॉट बी एबल टू कंटेस्ट इलेक्शन, देन नेसेसरी एक्शंस विल बी टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन, दैट इज कॉल्ड पिटीशन. ये भी हमारी कंट्री का एक फीचर है कि अगर आपको लगता है कि इलेक्शन के टाइम पीरियड में माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, अनफेयर मीन्स यूज किए गए हैं, देन यू कैन राइट एन एप्लीकेशन एंड कैन फाइल. फाइल का मतलब होता है आपकी जो भी कंप्लेंट है आप उसको फाइल कर सकते हो, दैट इज योर राइट, एंड दिस इज नोन एज इलेक्शन पिटीशन. पिटीशन क्या होती है, रिटर्न रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, इसको एप्लीकेशन भी कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है, दैट इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, फुल पावर. हमारी कंट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है. अब आपको मैं बताती हूँ कि सिर्फ हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ही है जिसकी टर्म कितनी है, 6 years. नॉर्मली क्यों, अब आप ये सोचो कि कई बार क्या होता है, क्या पता सेम टर्म हो जिस टाइम पीरियड में इलेक्शन कमीशन बना है, मे भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए हैं. ठीक है, कैमरा Yes. ऐसा क्यों किया गया है, सपोज कई बार क्या होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन हो सकते हैं. जिस पर्टिकुलर ईयर में इलेक्शन कमीशन बना उसी पर्टिकुलर ईयर में लोकसभा बनी, तो लोकसभा 5 years के बाद डिसॉल्व हो जाएगी, तो उसके इलेक्शन कौन करवाएगा. इसीलिए पर्टिकुलर 1 year जो है कई बार जो है इसको इलेक्शन कमीशन के लिए एक जो साल है वो एक्स्ट्रा रखा गया है, ताकि इन द मीन टाइम अगर कंट्री में सेकेंड टाइम इलेक्शन करवाने की जरूरत पड़े
तो इलेक्शन कमीशन को ये एक टाइम जो है 1 ईयर एडिशनल दिया गया। तो हमेशा याद रखना बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनके इलेक्शन 5 ईयर्स हैं, लेकिन हमारी कंट्री का जो इलेक्शन कमीशन है इसकी टर्म कितनी है? 6 ईयर्स। व्हाट इज द टर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन? 6 ईयर्स। 6 ईयर के लिए इलेक्ट होता है। अब ये इलेक्शन कमीशन आपको पता है जनरली इलेक्शन कमीशन में सिर्फ 3 मेंबर्स है, 1 is CEC एंड प्लस 2 मेंबर्स। CEC का मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इन तीनों का मेन सबसे पावरफुल कौन होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी क्या है? 2 अदर, उनको बोलेंगे इलेक्शन कमिश्नर। तो ये सिर्फ 3 ही नहीं है, इनका पूरा डिपार्टमेंट है दिल्ली में, और इनके डिपार्टमेंट की ब्रांचेस हैं अलग अलग सिटीज में, और ये इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए IAS आपका होमवर्क है, हु इज द इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है, और उनके साथ टू अदर का मतलब 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो टोटल कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? 3। 1 is CEC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CEC? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इज इट विजिबल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी, सुपरवाइज, दीज आर, बट आई एम राइटिंग हियर, ठीक है, CEC। अगेन CEC मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड 2 अदर मेंबर्स आर कॉल्ड इलेक्शन कमिश्नर। अब आपको ये याद रखना है आर इलेक्शन कमीशन, तीनों को मिलाकर क्या बनता है? इलेक्शन कमीशन इज द मोस्ट पावरफुल इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड, बिकॉज दीज 3 आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। वट वंस दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट, आफ्टर दैट दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग इलेक्शन, बट दे हैव टू फॉलो, दे हैव टू रीड द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो उनको गाइडलाइंस। नाउ मे बी प्रेजिडेंट जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं, और अपॉइंट करने के बाद प्रेजिडेंट की टर्म खत्म हो जाए, तो प्रेजिडेंट के इलेक्शन कौन करवाएंगे? इलेक्शन कमीशन। मे बी जब ये बने हैं तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो लोकसभा के इलेक्शन कौन करवाएंगे? ठीक है, इलेक्शन कमीशन। तो इस तरह से हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, जो हमारी कंट्री का मेन फीचर है। ठीक है, दीज आर 6 ईयर, तीनों के सिक्स ईयर्स। इलेक्शन कमीशन की टर्म ही कितनी है? इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? 3 मेंबर्स। ठीक है, देन इसके अलावा एक और टर्म है मैनिफेस्टो, ये भी हमारी कंट्री का इंपॉर्टेंट फीचर है जो इलेक्शंस में इंप्लीमेंट किया जाता है, दैट इज मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो वैसे ये इलेक्टोरल टर्म है, लेकिन इसका सिंपल मीनिंग पता क्या है? एजेंडा, आइडियोलॉजी, बुकलेट। अब आपको याद हो, अब आप ये सारा अभी खुद देखोगे, फरवरी में जब इलेक्शंस होंगे ना, तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने स्लोगन्स, अपने एजेंडाज, अपना पैम्फलेट, जो भी उनकी आइडियोलॉजी है उसको जो है वो डिस्क्लोज करती है आपके सामने। जैसे BJP का एक स्लोगन है, अच्छे दिन आएंगे, है ना, तो ऐसे ही हर पार्टी अपने कुछ स्लोगन्स बनाती है, गरीबी हटाओ या डेमोक्रेसी बचाओ, सेव डेमोक्रेसी, और इस तरह के जो स्लोगन्स हैं वो मैनिफेस्टो में जो है वो लिखे जाते हैं। जैसे लिसन, फरवरी में जब इलेक्शंस होंगे तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। मैनिफेस्टो क्यों बनाया जाता है? ताकि लोग उस मैनिफेस्टो को पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद उस पार्टी से रिलेटेड या लीडर से रिलेटेड अपनी क्या बनाएं? ओपिनियन। क्या किसी पर्सन को बिना मैनिफेस्टो पढ़े EVM पे वोटिंग करने आना चाहिए? नो। अगर आप एक रियल अवेयर सिटीजन हो, यू हैव टू रीड द मैनिफेस्टोज ऑफ ईच एंड एवरी पार्टी, एंड आफ्टर दैट यू विल कंपेयर कि विच पार्टी विल गिव अस बेनिफिट्स मोर। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से दैट ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो मीन्स अ बुकलेट, बुकलेट कंटेन गाइडिंग फिलोसफी और आइडियोलॉजी ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, जो भी उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, वो आपको बताती है। सपोज अगर कोई पार्टी आपको ये कहती है अगर हमें इलेक्शन करोगे तो पूरी स्टेट में फ्री वाईफाई मिलेगा आपको, तो व्हाट यू विल डू? You will vote for them. So that, okay. That is a part of manifesto. और इस तरह, अच्छा, maybe कई बार क्या होता है, पार्टी जीत जाने के बाद शायद आपको
शायद आपको वो फैसिलिटीज ना भी मिले, है ना। हाँ प्रोटेस्ट, फिर लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि आपने ये प्रॉमिसेस, हाँ जी लिसन, ये सेम ऐसा ही है, लिसन ये सेम ऐसा ही है कि जब एग्जाम्स के टाइम पीरियड में आपके पेरेंट्स आपसे प्रॉमिस करते हैं और जब आपके मार्क्स आ जाते हैं फिर आपके पेरेंट्स देखेंगे। चलो ठीक, तो हमारी कंट्री में मैंने, हमने ये बताना है कि व्हाट हैज बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स, एनी डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट, ओके रियांशिका, थैंक यू बेटा, आई एम गोइंग टू एंड, टाइम इज ओवर, थैंक यू।